हेलो फ्रेंड, दमास क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मरुस्थल एवं रेगिस्तान के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहे हम किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा दे, हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में क्या ये मरुस्थल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं मरुस्थल एवं रेगिस्तान को। दोस्तों, उसके पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, आइए देखते हैं उन पर मरुस्थल एवं रेगिस्तान के बारे में। दोस्तों, संसार में तो क्या बहुत सारे छोटे बड़े बहुत सारे मरुस्थल हैं, पर क्या हम उन्हीं मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे, उन्हीं प्रमुख मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे जो क्या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमने क्या ब्लू मार्कर से क्या अलग अलग महाद्वीपों के क्या प्रमुख मरुस्थल को दर्शा दिया है। दोस्तों, अब हम क्या उन्हीं मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे जो क्या प्रमुख है। दोस्तों, अगर महाद्वीपों की बात करें तो दोस्तों थोड़ा सा महाद्वीपों के बारे में चर्चा कर लें। जैसा कि हम जानते हैं क्या कि संसार में कितने 7 महाद्वीप हैं। दोस्तों, 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा अगर महाद्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया, जो कि हमारा भारत भी क्या एशिया महाद्वीप का ही एक भाग है। जो क्या हमारा भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है, मतलब दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगर दोस्तों वही दूसरे सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। और दोस्तों अगर तीसरे नंबर की बात करें तो उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसे हम श्वेत मरुस्थल के नाम से भी श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों उसके बाद है यूरोप, और फिर उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, जो क्या सबसे छोटा महाद्वीप है। और ये क्या 7 महाद्वीप है। दोस्तों अगर एशिया की बात करें, दोस्तों एशिया अगर क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे बड़ा का बोलते हैं कि ये महाद्वीप है, और जनसंख्या की दृष्टि से आधे से ज्यादा आबादी क्या एशिया में ही बसती है। दोस्तों एशिया को हम विषमताओं का देश इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग पाए जाते हैं और जिनके अलग अलग तरीके से कल्चर है, बोली भाषा बहुत सारे हैं, इसलिए क्या हम इन्हें विषमताओं का देश कहते हैं। दोस्तों अफ्रीका, ये क्या अफ्रीका महाद्वीप एक तरीके से पिछड़ा महाद्वीप है, जिसे हम क्या अंध महाद्वीप के भी नाम से जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया था परीक्षाओं में कि अंध महाद्वीप के नाम से किसे जानते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। दोस्तों जैसे मैंने बताया क्या श्वेत महाद्वीप, तो क्या यहाँ पे हमेशा क्या बर्फ जमा रहता है, तो उसे क्या हम अंटार्कटिक महाद्वीप को हम क्या अंध महाद्वीप के नाम से, ये श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और दोस्तों वहीं अगर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो इसे हम पश्चिमों का महाद्वीप, पश्चिम, यहाँ क्या अलग अलग प्रकार के ब्राजील का क्या बहुत सारे जंगल है, ब्राजील का जंगल का नाम सुना होगा, अमेजन का जंगल। दोस्तों ये सब क्या यहीं पे स्थित है, जहाँ पे क्या रंग बिरंगे बहुत प्रकार की पक्षियां पाई जाती हैं, इसे क्या हम पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम प्यासी भूमि, दोस्तों अक्सर परीक्षा में पूछ लिया था प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं, जो क्या संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसे क्या द्वीप के नाम से भी जानते हैं, क्या सबसे बड़ा द्वीप है, पर दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप ये नहीं है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, क्योंकि इसे हम क्या महाद्वीप बोल दिए तो एक ही बोलेंगे ना, महाद्वीप या फिर द्वीप, तो ये क्या है महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है। और सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें, सबसे बड़ा द्वीप की बात करें, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। दोस्तों अगर वही ये तो था क्या द्वीप और महाद्वीप के बारे में। दोस्तों अगर कुछ अगर देशों की बात करें तो देश के मामले में सबसे ज्यादा देश कहाँ अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जिसका संख्या कितनी है 54, 54 देश कहाँ यहाँ पे स्थित अफ्रीका में। उसके बाद 51 देश कहाँ पे हैं यूरोप में, और 50 के आसपास देश क्या 50 देश एशिया में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे क्या यूरोप और एक यूराल पर्वत है और एक यूराल नदी है, जो क्या यूरोप और एशिया के बीच क्या प्राकृतिक सीमा बनाती है, और क्या दोनों एक दूसरे में लगा है। ये कुछ देश है जैसे कि रूस हो गया, जो क्या एशिया में भी है और यूरोप में भी है, जिसकी राजधानी जो मास्को है वो क्या यूरोप में पड़ता है, और उसका ज्यादातर भाग कहाँ एशिया में है। और दोस्तों अगर वो बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा देश भी है, जिसका क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत ज्यादा देश है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा क्षेत्रफल है, इसलिए क्या है दो महाद्वीपों में फैला हुआ है। दोस्तों अब हम आते हैं क्या अपने मरुस्थल एवं रेगिस्तान के पे, जो क्या प्रमुख रूप से क्या फैले हुए हैं अलग अलग महाद्वीपों पे। दोस्तों अगर क्या मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल कहते किसे हैं, दोस्तों ऐसे क्षेत्र जहाँ क्या जहाँ बंजर भूमि है, जहाँ क्या वनस्पतियां 9 के बराबर होती हैं, और जहाँ पे कुछ ऐसी वनस्पतियां होती भी हैं तो क्या जिनका जल संचय करने की क्षमता अधिक रहती हो, या फिर क्या
भूमि के ज्यादा अंदर से क्या उनके पानी ग्रहण करने की क्षमता अधिक हो, तो उसे क्या तो उन्हीं उन्हीं प्रकार के पौधे वहां पाए जाते हैं वनस्पतियां, और बाकी क्या नहीं न के बराबर पाई जाती हैं। तो दोस्तों उसे क्या हम मरुस्थल रेगिस्तान कहते हैं। दोस्तों ये क्या दो तीन दो प्रकार से तापमान के हिसाब से देखे तो शीत मरुस्थल और उष्ण मरुस्थल, मतलब गर्म मरुस्थल और ठंडा मरुस्थल आते हैं। दोस्तों अगर ठंडे मरुस्थल की बात करें तो क्या बोलते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल गोभी मरुस्थल है, और सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल। दोस्तों ये देखते हैं सहारा मरुस्थल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्या है सबसे बड़ा है, जिसे क्या हम इसको मतलब सीनियरिटी के हिसाब से इसे हम क्या बोलते पहले प्रायोरिटी देते हैं। दोस्तों अगर सहारा मरुस्थल की बात करें तो दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है, अफ्रीका के कई देशों में फैला हुआ है, जैसे अल्जीरिया, नाइजीरिया, लीबिया, चांड, सूडान, बहुत सारे देश है क्या, कुछ तो मिस्र देश में भी जाके क्या है फैला हुआ है। तो ये क्या संसार का बहुत बड़ा सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर भारत की दृष्टि से भारत के क्षेत्रफल से देखा जाए तो लगभग लगभग क्या भारत का तीन गुना है। भारत की क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32 लाख, इसका कितना है 92 लाख वर्ग किलोमीटर। तो बताइए 32 लगभग लगभग क्या तीन गुना है भारत का। अगर दोस्तों अगर अमेरिका के देखें तो अमेरिका के क्या अमेरिका के एरिया के क्या है बराबर है, और लगभग लगभग यूरोप के भी एरिया के बराबर है। तो क्या बहुत बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, इसका नाम है सहारा। तो क्या ये 92 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या फैला हुआ है, और अफ्रीका महाद्वीप के बहुत सारे देश में। दोस्तों अगर इसका एक बोलते हैं कि इसके सबसे ऊंचे स्थान की बात करें मरुस्थल में, तो एक है इमिकुशी। दोस्तों इमिकुशी इसका सबसे ऊंचा स्थान है। इमिकुशी क्या है एक ज्वालामुखी है, जो क्या इमिकुशी नामक ज्वालामुखी जिसका ऊंचाई लगभग लगभग 3415 मीटर है इसकी क्या है ऊंचाई। ये सहारा मरुस्थल का सबसे ऊंचा स्थान है, और जो क्या है इमिकुशी मरुस्थल ज्वालामुखी है, ठीक है। और दोस्तों दूसरे मरुस्थल पे आते हैं, ये है अरब प्रायद्वीपी मरुस्थल, अरब का प्रायद्वीप मरुस्थल, अरब प्रायद्वीपी। दोस्तों अरब प्रायद्वीपी मरुस्थल है। दोस्तों ये अरब देश के क्या बोलते हैं अरब खाड़ी प्रदेश के क्या बहुत सारे देशों में फैले, जैसे क्या सऊदी अरब, सऊदी अरब, ये सीरिया, ओमान, बहुत सारे देश हैं। सीरिया से लेकर ओमान तक क्या ये पूरा फैला हुआ है ये प्रायद्वीपी। यहाँ पे क्या पेट्रोलियम का ये सबसे इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पेट्रोलियम का क्या अच्छा क्या बोलते हैं कि स्रोत है इस मरुस्थल में। दोस्तों अगर वहीं ऊपर से बात करें तो ऊपर से बात करते क्या है गोभी मरुस्थल। दोस्तों ये है गोभी मरुस्थल, ये विश्व का संसार का सबसे ठंडा मरुस्थल है, सबसे ठंडा। ये क्या है सबसे ठंडा मरुस्थल है। दोस्तों ये संसार का सबसे ठंडा मरुस्थल है, ये मंगोलिया से लेके चीन में, दोस्तों ज्यादातर इसका भाग मंगोलिया में पड़ता है, और नॉर्थ उत्तरी चीन का भाग लेके और मंगोलिया, इसमें क्या ज्यादातर मंगोलिया ही ऑप्शन में आता है। मंगोलिया में क्या हुआ है फैला हुआ है, इसका नाम है गोभी मरुस्थल, संसार का सबसे ठंडा मरुस्थल है। वही दोस्तों उसके नीचे एक मरुस्थल है छोटा सा देख रहे हैं आप। दोस्तों इस गोभी मरुस्थल के अगर एरिया की बात करें तो इसका है 10,36,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है एरिया है, काफी लगभग काफी बड़ा ही है, ठीक है। दोस्तों उसके नीचे है तकलामाकन, ये है दोस्तों तकलामाकन। दोस्तों ये क्या है उत्तर पश्चिमी चीन में, दोस्तों ये उत्तर पश्चिमी चीन में स्थित क्या है तकलामाकन रेगिस्तान। दोस्तों ये चीन का सबसे बड़ा रेगिस्तान है तकलामाकन, क्या चीन में स्थित है। और इसके एरिया की बात करें दोस्तों इसका एरिया है 3,27,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है एरिया तकलामाकन। भी क्या इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है क्योंकि एशिया में क्या स्थित है। दोस्तों एक है क्या अपने यहाँ पे क्या थार मरुस्थल, जो कि आपने सुना होगा थार मरुस्थल का नाम थार। दोस्तों क्या ये जो रागी अपने राजस्थान वाले इलाके में है क्या मरुस्थल जो है बड़ा भाग,
वो क्या है, थार मरुस्थल का ही भाग है। थार मरुस्थल भारत के राजस्थान तथा पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक फैला हुआ है। भारत में राजस्थान और पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक, ठीक है, भारत के राजस्थान और पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक फैला हुआ है। अगर इसके एरिया की बात करते हैं, लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या फैला हुआ है दोस्तों। इसके का वो ये किस पर्वत के, अगर पूछा कि थार मरुस्थल किस पर्वत श्रृंखला के क्या दक्षिण पूर्व में स्थित है, तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला के क्या दक्षिण पूर्व में स्थित है दोस्तों। इस एरिया इस भारत में इस मरुस्थल का क्या बोलते हैं कि निर्माण होने का रीजन है मानसून का अभाव दोस्तों। यहाँ पे क्या वर्षा क्या मानसून नहीं में वर्षा नहीं बरसात नहीं होती, इसलिए क्या ये मरुस्थल का निर्माण। अगर इसमें क्या अरावली का कुछ श्रेय जाता है इसके क्या बोलते हैं कि इस मरुस्थल के निर्माण में। वही दोस्तों एक है क्या अफ्रीका महाद्वीप का ही क्या कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी दोस्तों कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप क्या सबसे साउथ में नीचे बसा है, तो ज्यादातर क्या दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। अगर इसके एरिया की बात करें, इसके एरिया की बात करें, इसका एरिया है 518,000 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। ये 518,000 वर्ग किलोमीटर फैला काफी बड़ा मरुस्थल है। और दोस्तों ये क्या किसके लिए फेमस है, तो ये खनिज के लिए, खनिज में जैसे हीरा कीमती वस्तु का बोलते हैं कि वस्तु हीरा यूरेनियम और निकल, ठीक है, ये इन सब का बोलते हैं कि खनिजों के लिए क्या फेमस है कालाहारी मरुस्थल। और दोस्तों अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में छोटे छोटे बहुत सारे मरुस्थल हैं, पर एक प्रमुख मरुस्थल है जिसका नाम है दी ग्रेट विक्टोरिया। आपने नाम सुना होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो, विक्टोरिया दोस्तों, द ग्रेट विक्टोरिया दोस्तों। ये क्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है क्या सूक्ष्म मरुस्थल है, सूक्ष्म क्या यहाँ पठार, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अलग अलग बहुत सारे का बोलते हैं कि ये पठारी ही क्षेत्र है, ठीक है, तो ये क्या सूक्ष्म मरुस्थल है, ये का बोलते हैं कि ड्राई मरुस्थल है दोस्तों। अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो ये इसमें क्या लगभग 22 देशों का नाम आता है, पर प्रमुख रूप से 14 ही देश हैं यहाँ पे, तो मतलब 14 देशों का क्या यहाँ पे नाम आता है, छोटे बड़े इसमें क्या न्यूजीलैंड और भी क्या इसके पार्ट आ जाते हैं। या क्या ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के देश के नाम पे क्या महाद्वीप है। अगर ऑस्ट्रेलिया के देश की राजधानी की बात करें तो कैनबरा उसकी राजधानी है, और क्या सबसे बड़ा शहर उसका है सिडनी, आपने नाम सुना सिडनी एडलेट मेलबर्न सब क्या है इसमें क्या प्रमुख प्रमुख स्टेडियम है। अगर क्रिकेट के आप शौकीन होंगे तो आपको सब पता होगा सिडनी एडलेट मेलबर्न पर्थ, ठीक है दोस्तों। अगर दक्षिण अमेरिका की बात करें दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में एक महाद्वीप एक मरुस्थल है जिसका नाम है आटाकामा मरुस्थल दोस्तों। ये संसार का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल, सबसे ड्राई एरिया है, सबसे ड्राई एरिया, सबसे सूक्ष्म क्षेत्र है। अगर इस का बोलते हैं मरुस्थल के एरिया की बात करें तो इसका एरिया है 1,80,000 वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ है ये फैला हुआ है दोस्तों। ये चिली और पेरू मतलब ज्यादातर इसका भाग चिली में आता है, जो क्या एंडीज पर्वत श्रृंखला के क्या भाग में फैला हुआ है दोस्तों। एंडीज पर्वत श्रृंखला आप जानते हैं क्या, ये विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो क्या दक्षिण अमेरिका में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो एंडीज है, जो क्या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक है। यहाँ से क्या दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, ठीक है, और दुनिया की सबसे लंबी नदी तो क्या नील नदी, जो क्या अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी अमेजन को क्या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है और एंडीज पर्वत से निकलती है दोस्तों। वहीं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में क्या बोलते हैं रेगिस्तान की बात करें तो दोस्तों इस रेगिस्तान का नाम है द ग्रेट बेसिन दोस्तों। इसमें क्या कई मरुस्थल क्या छोटे छोटे कई मरुस्थल के नाम आते हैं, जैसे डेथ वैली और एक है मोजावा ग्रेट डेथ वैली डेथ
डेथ वैली, मोवेज, मोजावा, ठीक है, मोजावा डेथ वैली तथा मोजावा, ऐसे ही कुछ करके नाम है, ठीक है। छोटे छोटे कई मरुस्थल के नाम आते हैं जो क्या कैलिफोर्निया, मैक्सिको से लेकर पूरा क्या फैला हुआ है। तो डेथ वैली का तो आपने नाम सुना होगा क्या, ये अभी तक का संसार के सबसे गर्म स्थानों में इसका नाम आता है, ठीक है। अब सारा नाम चेंज हो गया है, डेथ वैली की जगह कुछ और हो गया, पर अभी क्या इसका नाम क्या दुनिया के सबसे गर्म स्थान पे क्या आता है डेथ वैली का नाम। दोस्तों ये थे संसार के कुछ प्रमुख मरुस्थल जो क्या बड़े होते हैं, उनकी कुछ विशेषता, उनके एरिया के बारे में। दोस्तों यही मरुस्थल है जो क्या अक्सर परीक्षाओं में घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं और इन्हीं सब पे क्या प्रश्नों को क्या बोलते बनाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें।